नमस्कार, आप देख रहे हैं गो न्यूज इंडिया और मैं हूं पंकज पचौरी। मेरे साथ आज स्टूडियो में है के माधवन माधवन नारायण करो, स्टार्ट करो। मैडवर्सिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपका ट्विटर पर है। और माधवन, और हम बात करेंगे बजट के बारे में। हिंदुस्तान में जैसा आप जानते हैं कि कई तरह के मौसम होते हैं, गर्मी होती है, सर्दी होती है, मॉनसून होता है, बरसात होती है उसमें, और उसके साथ साथ एक मौसम होता है जिसे हम कहते हैं बजट का मौसम। तो आजकल बजट का मौसम चल रहा है और बजट जो है वो पेश होने जा रहा है, और बजट पेश करने के लिए हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आजकल काफ़ी पशोपेश में हैं। हलवा उन्होंने अभी बनाया है और बजट का छपना जो है, बजट के कागजात का, वो शुरू हो गया है। लेकिन अगर आप इस बजट को देखें और पिछले बजट को देखें, तब आपको ये समझ में आएगा कि क्यों इस बजट को लेकर इतनी समस्याएं हैं। पिछला बजट इस सरकार ने दो बार पेश किया था, एक बार फरवरी में पेश किया था और उसके बाद में जुलाई में पेश किया था, और उस बजट का असर जो है वो अभी तक लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि उस बजट में क्या क्या प्रावधान थे और उन प्रावधान में क्या क्या हुआ है। क्योंकि बजट के बाद में निर्मला सीतारमण ने कोई 23 बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और लोगों को बताया कि मैंने बजट में क्या कहा था। बिल्कुल, तो एक तो ये हमारे पे ये लैग एफर्ट जो है, अफेक्ट जो है बजट का, ये चल रहा है, उसमें एक बहुत बड़ी समस्या हमको है। और दूसरी समस्या जो है वो सिर्फ हम हिंदुस्तानी जो कई सारी कहावत होती हैं, मुहावरे होते हैं, उनमें ही हम बता सकते हैं कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, एक कहावत ये होती है। दूसरी कहावत है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तीसरी कहावत है घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। और चौथी कहावत है कि कहा वर्षा जब कृषि सुखाने। तो ये सारी जी कि वर्षा होने का क्या फायदा है जब कृषि सूख गई। तो ये सारे जो कहावतें हैं हम आपको बताएंगे और चार्ट्स के द्वारा बताएंगे, पत्ते फेंटते हुए, बाकायदा अलग अलग कार्ड्स हमारे पास में हैं जो आपके सामने आते रहेंगे, आप देखते रहिए उन्हें। और ये कार्ड्स जो हैं आपके भी बड़े काम आ सकते हैं जब बजट पेश किया जाएगा, उस समय अपने सामने रख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि पिछले 10 साल में क्या क्या हुआ है। बजट की जन्मपत्री समझ लीजिए, बजट की जन्मपत्री, हाँ, कि बजट की जिंदगी में क्या क्या हुआ है। माधवन, सबसे बड़ी बात यह है कि पहला कार्ड जो है हमारा वो इस बात को लेकर के है कि शॉर्टफॉल टैक्स कलेक्शन का जो है वो बहुत ज्यादा है, और कोई 63% के आसपास शॉर्टफॉल पिछले जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें था, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि 15 में 66% था, उसके बाद ये कम हुआ और कम होते होते ये पहुंच गया 60% तक, और फिर ये बढ़ने लगा है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसी के लिए हमने कहा कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, उसमें एक अजीब सी बात है, विडंबना कह सकते हैं एक तरफ से, मगर आधुनिक अर्थव्यवस्था ऐसे चलती हैं, मॉडर्न इकोनॉमी रन्स ऑन कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। सी, लोअर ग्रोथ लीड्स टू लोअर टैक्स कलेक्शंस, बट लोअर टैक्स कलेक्शंस मीन्स लेस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, लेस गवर्नमेंट स्पेंडिंग मीन्स लेस डिमांड मीन्स लेस इंडस्ट्रियल आउटपुट, लेस आउटपुट मीन्स लेस ग्रोथ। तो एक तरह से एक विशेष सर्कल हो गया कि आप उसमें फंस गए। हाँ, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, क्रिकेट में एक विकेट गिर गया, दो विकेट गिर गए एक साथ, तो फिर इतना नर्वसनेस हो जाता है पिच में कि और में आ जाते हैं। हाँ। और फिर आपका रन रेट नीचे जाना शुरू हो जाता है। बिल्कुल वही हो रहा है इकोनॉमी में कि आपकी जो एक दो बल्लेबाज एक साथ आउट हो गए तो एक तनाव से आ जाती है, तनाव से आ गई है। रन रेट जो है वो हिंदुस्तान की इकोनॉमी का कम हो गया है। इस समय भारत की टीम जो है वो न्यूजीलैंड में है और वहां पर भी क्रिकेट भी आप देख रहे हैं, और क्रिकेट जो है उसको अगर आप देखें तो रन रेट ये है, आप देख सकते हैं कि शॉर्टफॉल जो है वो कम हो गया है। इसका मतलब आपको जो बाकी ओवर बचे हैं उसमें बहुत ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे, और देखना यह है कि निर्मला सीतारमण ये कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। अब ये हमने बता दिया कि डेफिसिट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब हम ये देखते हैं जो बात आप कर रहे थे, इसमें कई सारी विडंबनाएं इस बजट के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था में हैं। एक बड़ी विडंबना यह है कि एक तरफ जीडीपी जो है वो बहुत नीचे है और लगातार नीचे जा रही है, और दूसरी तरफ हमारा मार्केट जो है वो उछलता जा रहा है, उछलता जा रहा है, उछलता जा रहा है। तो ये हम देख सकते हैं किस तरह से इस समय जीडीपी के ऊपर जो है वो दबाव वो कैसे बना हुआ है, कि आप देख सकते हैं कि 4.5%, इसको लेकर के अब IMF ने भी अपने जो आंकड़े हैं उनको ठीक कर लिया है और कहा है कि कम इस समय जीडीपी जो है उसकी ग्रोथ हो पाएगी, 4.5 पर जाकर मामला अटक गया है। लेकिन दूसरी ओर आप देखिए कि जो सेंसेक्स है वो 41,321
और ये मेरे ख्याल में डेली ऊपर नीचे होता रहता है, जनवरी 17 का हमने आंकड़ा निकाला है यहाँ पे आपके लिए, तो ये आप इसको देख सकते हैं कि ये किस तरह से हो रहा है। ये क्या विडंबना है? ये विडंबना इस बात की कि भारत की इकोनॉमी जो है ग्लोबलाइज हो चुकी है, एक हद तक अच्छी कंपनियां हैं इधर, अच्छी कंपनियां हैं, तो चाहे रिलायंस इंडस्ट्री हो या HDFC बैंक हो। दूसरी बात यह कि आप 100 करोड़ से ज्यादा लोग आबादी है इधर, इसमें मध्य वर्ग जिसको 40-50 करोड़ माना जाता है, यहाँ की एक कंजम्पशन स्टोरी है, मंदी में भी इकोनॉमी बढ़ी है और बहुत सारी पूंजी बाहर से इसलिए आती है क्योंकि लॉन्ग रन में इसका प्रॉस्पेक्ट अच्छा है। जैसे आप एक ट्रेन में आप डेस्टिनेशन में आने के पहले आप चढ़ जाते हैं, तो ये इस बात पर मार्केट ने बेट किया है, समझ लीजिए कि इस हफ्ते थोड़ा बहुत मार्केट नीचे हुआ है, लेकिन कमोबेश देखें तो पिछले दिनों में सरकार नई बनने के बाद भी लगातार मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है। हाँ, ऊपर इसलिए जा रहा था क्योंकि एक तरफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेकर के पॉजिटिव सेंटिमेंट बना था, हाँ, कि पूरे विश्वास के साथ में सरकार आ गई है तो ये सरकार अब अच्छे कदम और मजबूत कदम उठा सकती है। दूसरी बात है कि दुनिया में दूसरे इकोनॉमीज के साथ अगर तुलना करें तो भारत की इकोनॉमी 5% या 6% तक थी, तो कह रहे थे नॉट बैड, बड़ी इकोनॉमी 6% में जब ग्रो कर रही है तो अच्छी बात है, फिर 6 से 5 की ओर आया, 5 से अब नीचे गिर गया, अब पूरा फिर से रिकैलिब्रेट आपको करना पड़ेगा। हिंदुस्तान की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है नीचे जा रही है। बात यह कि मार्केट और इकोनॉमी का रिश्ता भी मियां बीवी की तरह है, कभी एक तरफ जाते हैं कभी लड़ते भी हैं, खटपट चलती रहती है, फिर चलती रहती है। तो इसमें एक तरह से मार्केट थोड़ा आगे चला गया था, अब थोड़ा पीछे आ रहा है क्योंकि मार्केट, इंग्लिश में कहते हैं मार्केट ऑलवेज प्राइसेस द फ्यूचर नॉट द प्रेजेंट। बिल्कुल, प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट ना हो तो होपफुल है। ठीक है, तो इसी में मार्केट ऊपर जा रहा है। हाँ, मार्केट ऊपर जा रहा है, मगर उसके अंदर बहुत कुछ एक थंब रूल माना जाता है कि अगर आप GDP अगर 7% ऊपर गया तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो है 28% जाएगा क्योंकि ग्रोथ चांसेस हैं, उसकी एंटिसिपेशन में जाएगा। मगर जब आप रिकैलिब्रेट होता है कि आपने GDP भी कम हो गया तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो है उस पर भी दबाव है। सबसे बड़ी मतलब दुख की बात मैं कहूंगा ये है कि GDP के ग्रोथ के रिविजन में भी अजीब सी बात है कि जो अर्थशास्त्री हैं, जो RBI में बैठे हैं, गवर्नमेंट में बैठे हैं, उनको खुद नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, क्योंकि एक सेंस ऑफ एंटिसिपेशन होनी चाहिए इकोनॉमी में, वो एंटिसिपेशन कहीं चूक गए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि पिछले एक साल में हिंदुस्तान की GDP ग्रोथ को 1.5% के आसपास कम कर दिया गया। Exactly. इसका मतलब आपको मालूम भी नहीं था कि वो कह रहा है। या आपको मैं एक बात बताऊं, अभी जब निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था, मेरे पास कहीं मैंने नोट किया है कि उन्होंने नॉमिनल ग्रोथ रेट जो है 12% करीब लगाया था। बिल्कुल ठीक। तो मान लीजिए इन्फ्लेशन 6 या 7% हुआ तब भी आपको 5% बैठना चाहिए, ये तो 4.5% में आके बैठ गया। तो इसका मतलब है उन्होंने एंटिसिपेशन एक तरह से हवा में तलवारबाजी की है, उन्होंने लगता है। ये आपने नया मुहावरा आपने बता दिया, मैं तो 4 मुहावरे दूसरे बता रहा था। आपने जो बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जो है वो प्राइवेट कंजम्पशन से आता है। उसके हम आंकड़े देखते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए कि कंजम्पशन जो है यानी कि जो खरीद फरोख्त आम लोग करते हैं, पूरा मुल्क करता है, वो लगातार कम हो रहा है। एक्सपेंडिचर जो है कंजम्पशन पे आप समझ लीजिए कि 13 में कोई ये नीचे चला गया था और उसका खमियाजा जो है वो मनमोहन सिंह सरकार को भुगतना पड़ा था, उसके बाद से ये थोड़ा ऊपर गया और उसके बाद काफी वोलेटाइल रहा और अब ये 5.1% अगर आप इसको देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी काम कर नहीं रही है और सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार खर्च नहीं कर सकती है। अगर आप बात करें जो वित्त सचिव थे पुराने सुभाष गर्ग का, तो यह कहना है कि इस साल, और आप ये आंकड़े देख सकते हैं, 8,33,000 करोड़ से ज्यादा का वित्तीय घाटा सरकार को होने वाला है। देखिए उसमें एक नटखटपन है अपने सुभाष चंद्र गर्ग, जो
जब वो वित्त सचिव खुद थे तब भी यही हाल था, यही आलम था। उन्होंने तब सार्वजनिक रूप से ये सब समझाया नहीं, क्योंकि अब वो रिटायर हो चुके हैं, सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी से निकल चुके हैं, इसलिए वो थोड़ा बहुत हल्के से रोशनी डाल रहे हैं इस बात पे कि सरकार भी खेलता है। तो अच्छी बात है, ये देखिए विसल ब्लोअर टाइप है लेकिन सरकार में नहीं है, सरकार में नहीं है। और दूसरी हम बात देखते रहेंगे आंकड़े लगातार। उनका कहना बहुत, अगर निचोड़ के बताऊं तो अगर इसके आंकड़ों के कैलकुलेशन के बहुत अंदाज होते हैं, उनका ये कहना है कि जो सरकार कहती है कि आपको 3.5% या 3.4% का फिस्कल डेफिसिट होगा, वो अगर सचमुच में आप देखें कि पब्लिक सेक्टर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां और जो डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं विनिवेश उन दोनों के आंकड़ों को तालमेल बिठाकर देखें तो असली डेफिसिट आपको 5% से ऊपर मिलेगा, 5.5% मिलेगा। वो सही है, क्योंकि जितनी कंपनियों की हम बात कर रहे थे डिसइन्वेस्टमेंट की, वो हो नहीं पाया। बड़ी बड़ी कंपनियों 1.5 लाख करोड़ का बजट ले रखा है इन्होंने इस बार कि विनिवेश से पैसा आएगा, उसका करीब 1/4 भी नहीं पूरा हुआ और 3 महीने बचे हैं साल में। तीन ने क्या अब जनवरी एंड में पहुंच चुके हैं हम। इतना 3 महीने में तो सरकार में आप कुछ कर ही नहीं सकते, एक फाइल को दूसरी फाइल जाती है, क्योंकि ये सारी जो बड़ी खरीद फरोख्त हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, आप एयर इंडिया बेचने की बात कर रहे हैं, अब बीपीसीएल बेचने की बात कर रहे हैं, इन कंपनियों को बेचने के लिए विदेशी जो है वो कंसल्टेंट्स आएंगे, वो बताएंगे आपको कि इसकी जो इंटरनेशनल वैल्यू है वो क्या है, उसके बाद में रेगुलेटरी सिस्टम्स हैं, गजट पे जाएगा, राष्ट्रपति उसके ऊपर साइन करेंगे, बहुत लंबा एक प्रोसेस है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये शिवजी का हिसाब हो गया कि आपके कहते हैं ना, शिवजी ने अपने गले में विष को ले लिया था, तो ये काला धन का सिलसिला जब से नोटबंदी से शुरू हुआ कि मान लीजिए अपने आप को शिवजी की समझ सकते हैं या तो फिर अपने आपके गले को घोट सकते हैं, एक तरह के इकोनॉमी का गला घोट दिया गया। नीलकंठ इसलिए शिव जी को बोलते हैं कि उनका कंठ जो है वो नीला है, क्योंकि जो जहर निकला था समुद्र मंथन के बाद उन्होंने वो पी लिया था और यहाँ पर रोक लिया था। अब मगर यही शिव जी न यही, लेकिन इसमें एक मुझे रामराज नजर आ रहा है ना शिव जी का राज, लेकिन यहाँ मुझे एक मुहावरा नजर आ रहा है, सांप छछुंदर वाली स्थिति कि ना आप खा सकते हैं ना आप उगल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, एक्चुअली यू आर राइट। नोटबंदी के बाद ये स्थिति, नोटबंदी से एक तरह की कैस्केडिंग इफेक्ट है, एक तरफ आप नोटबंदी को अलग करके देख सकते हैं, मगर नोटबंदी से एक तरह से जो मनोवैज्ञानिक दबाव आया भारतीय अर्थव्यवस्था में, दूसरी तरफ बैंकों के जो कर्जे वापस नहीं आए जी, वो एक फांसी सा बन गया दोनों, क्योंकि उन्होंने मोदी सरकार ने जो रवैया अपनाया है, एक तरफ बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत कायदे कानून लग गए कि जो जो कंपनियां नई चल रही हैं उनके कर्जे लौटाए जाएंगे, अगर नहीं लौटाएंगे तो एक कोर्ट की तरह एनसीएलटी में जाएगा, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, मतलब रास्ता साफ हो गया। मगर असली इकोनॉमी ऐसे नहीं चलती, असली इकोनॉमी तो रोजगार होता है, कमाई होती है, टोंटी जो है जो कि नोटबंदी ने बंद कर दी एक तरह से, बिल्कुल सिस्टम के अंदर पैसा आना जो बंद हो गया, उसकी जगह जो पैसा आना था बैंकों से वो नहीं आया। हाँ, मतलब ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की चार्ट आप दिखा रहे थे जी, उसका मतलब ये कि इकोनॉमी में पैसा जो है या तो घूमना बंद हो गया है पैसे का, या तो अपने ट्रैक में फ्रीज हो गए वो, क्योंकि उनको पुराने तरीके चल नहीं रहे और नए तरीके शुरू नहीं हुए। अब कहते हैं ना, ना सांझ ना सवेरा, ना घर के रहे ना घाट के। हाँ, आज मुहावरों के ऊपर हम आपको कम से कम बता देंगे, ठीक है। अब आगे, लेकिन एक बात इस दौरान है और अभी आपको बताते हैं कि सरकार ने एक काम किया है पिछले दिनों में कि ग्लोबली जो हमारी छवि है उसमें यह है कि डूइंग बिजनेस जो इंडेक्स होती है वो हमारी लगातार बढ़ती जा रही है। आप अगर देखें तो 139 से 2011 में ये बेहतर होकर 63 नंबर पर पहुंच गई है हिंदुस्तान की जो इंडेक्स, डूइंग बिजनेस इंडेक्स। मैं आपको एक उदाहरण से समझा दूंगा। मान लीजिए एक किसान हो, किसान को किसी ने दे दिया एक बहुत बढ़िया ट्रैक्टर, फिर उससे पूछने लग गए आप ट्रैक्टर क्यों नहीं चला रहे, वो कह रहे सर मेरा ट्रैक्टर तभी चलेगा ना जब बारिश होगी, बारिश नहीं होगी तो ट्रैक्टर का क्या फायदा, क्योंकि सिर्फ जो अन्न जो है उपजाने का काम सिर्फ ट्रैक्टर नहीं करता,
उसमें बारिश के भी कंजम्पशन कम हो गया, आपकी इकोनॉमी वीक हो गई, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग से आप क्या कीजिएगा। तो दूसरी बात है उसमें बहुत सारे अंग्रेजी की कहावत है अब इस पे कि ऑल सूटेड बूटेड एंड नोवेयर टू गो, ऑल ड्रेस्ड अप एंड नोवेयर टू गो, ऑल ड्रेस्ड अप एंड नोवेयर टू गो। एक्चुअली द ट्रूथ इज दैट इट्स मच मोर कॉम्प्लेक्स। हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं क्योंकि लोगों को समझ में आए, मगर बात यह है कि कंजम्पशन जब तक टेक ऑफ ना करें, तब तक कि दिल में उमंग हो अगर बटुए में पैसा ना हो तो कैसे खरीदेगा कुछ। लेकिन इस सब के बावजूद देखिए जो इन्वेस्टर है ना वो भी आया नहीं है। अगर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल हम फॉर्मेशन देखते हैं तो वो 34% से हम उसके ऊपर जा सकते हैं, 34% से 28% रह गई है। और FDI एज पार्ट ऑफ GDP 1.9 से 1.6 हो गई है। हाँ, ये भी समस्या है कि आपने कोशिश तो काफी की और मेरे ख्याल में कई 80 के आसपास मुल्क घूमे, प्रधानमंत्री ने लोगों को लुभाने के लिए मीटिंगें की बड़ी बड़ी स्टेडियम्स में, लेकिन उसका असर जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, उसके कारण बहुत हैं। उसमें एक है कि दुनिया भर में एक उथल पुथल है, जैसे चीन और अमेरिका के बीच में एक तरह का ट्रेड वॉर चल रहा था, अभी अभी समाप्त होने के आसार नजर आ रहे हैं और मूड नहीं बना कभी इकॉनमी में। तो जब तक ये ऐसी चीज है, मुर्गी अंडे का सवाल है, जब तक ग्रोथ नहीं होता इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, और जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा ग्रोथ नहीं चलेगा। और उसके लिए लोकल इन्वेस्टमेंट को आपको किक स्टार्ट करना होगा, इसके लिए सरकार को स्पेंड करना होगा, और सरकार तभी खर्च करेगा जब उनके टैक्स कलेक्शन अच्छे होंगे, जैसे आपने देखा। बिल्कुल जी। तो या तो कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिनसे अच्छा सा डिमांड क्रिएट हो जाए इकोनॉमी में, जैसे अर्थशास्त्री हैं, जैसे जयती घोष हैं, वो कह रहे हैं कि आप फिस्कल डेफिसिट के बारे में भूल जाइए। बात यह है कि वामपंथी के अर्थशास्त्री कुछ कह रहे हैं और IMF जैसे वो कुछ और कह रहे हैं। सरकार को मन बनाने में टाइम लग रहा है, जैसे कि वो अर्थशास्त्र के बारे में ज्यादा सोच ही ना रहे हो। मतलब पुराना मानना ये बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना अलग बात है, मगर साथ ही साथ आपको ये समझना चाहिए कि कुछ ठोस कदम जब तक आप नहीं उठाते। अभी फिलहाल निर्मला जी ने घोषणा की है कि 102 लाख करोड़ के निवेश होंगे मूलभूत ढांचे पे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, 5 साल के दौरान। अब पैसा कहां से आएगा उन्होंने नहीं किया, सिर्फ घोषणा से घोषनॉमिक्स नहीं होता। घोषनॉमिक्स, हाँ। ये अच्छा आपने आज नाम बताया, घोषनॉमिक्स, ये अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक बड़ी बात आप जो लगातार कह रहे हैं, कंजम्पशन कैसे होगा, कंजम्पशन तभी होगा मुल्क में जबकि जो किसान जो देश का है 70% हिंदुस्तान अभी भी गांव में रहता है, इस बिल्कुल। और अगर उसके पास में पैसा नहीं होगा तो वो जो चीजें उसने शुरू की थी, जिसको कंजम्पशन शुरू किया था, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, मोटरसाइकिल जो है वो 33% नीचे चली गई दिसंबर में, और शैम्पू हो, टूथपेस्ट हो, इस तरह की जो चीजें हैं कंजम्पशन। आपने सवाल अच्छा किया, इस पर एक बहुत दिलचस्प बात। मैं एक आपको पहले आंकड़ा दिखा देता हूं कि इस समय हालात है क्या, कि सरकार का दावा है कि उसने 1,51,000 करोड़ रुपए खर्च किया है एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज के ऊपर, लेकिन जो फार्म इनकम है वो 2.1% है जीरो से उसका जो। हाँ, उसमें बहुत सवाल आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत सिंपल सवाल है। इंग्लिश में कहते हैं वन मैन्स प्राइस इज अनदर मैन्स इनकम, कि एक का जो कॉस्ट है, एक की जो कीमत है दूसरे का पगार है या दूसरे की जो आमदनी है। आप किसान का, अगर आप किसान की आमदनी नहीं बढ़ाएंगे तो आपके शैम्पू या मोटरसाइकिल खरीदने वाला कम होगा। अब मोदी सरकार ने यह दावा किया है, सही किया है, मैं कहूंगा सही किया है, कि उन्होंने महंगाई पर काबू रखा है 4-5 साल तक। उसके कुछ हद तक यह भी है कि दुनिया भर में तेल के भाव कम थे 5 साल तक। तो अभी थोड़ा बढ़ने में, अभी ईरान और 60 तक हो गया, जब ईरान और अमेरिका के बीच में जब मुठभेड़ अभी हुआ, कुछ मतलब टेंशन तनाव बढ़े, तब जाके फिर से तेल बढ़ने लगा। 4-5 साल तक एक तरह से मोदी जी को एक हनीमून सा मिल गया कि तेल के भाव भी गिर गए और यहां आपने किसान की आमदनी भी नहीं बढ़ाई, तो इसलिए महंगाई काबू में रही। मगर आधुनिक अर्थशास्त्र आपको यह बताता है कि सिर्फ महंगाई पर काबू लगने से अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होती। आपको अगर रोजगार बढ़ानी हो, आमदनी बढ़ानी हो, तो खर्चा भी करना पड़ता है। आप किसी के पेट पर मार नहीं सकते।
तो यहां भी दिखाई दे रहा है कि जब सरकार का दावा है कि 1,51,000 करोड़ खर्च भी हुआ है लेकिन वो पहुंचा नहीं है किसान तक, तो उसकी जो इनकम है वो बात तो आपने ठीक कही, उस पर मैं दूसरी बात कहूंगा। ये आवंटन की जो आंकड़ेबाजी जो चलती है उससे सुनने में अच्छा लगता है, मगर जब तक वो पर्याप्त मात्रा में अर्थव्यवस्था पे घुसे ना तब तक आपको डिमांड जनरेट नहीं होगा, तब तक आपको आपका कंजम्पशन नहीं होगा। अब उसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे, शायद लैग इफेक्ट होगा, शायद हम या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया होगा, ये प्रधानमंत्री सड़क योजना प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। हाँ। सवाल ये कि आप भारतीय अर्थव्यवस्था की जो साइज जो है उसको अगर आप मान के चले तो उसमें कई प्रकार की समस्याएं हैं। जैसे आपकी हम नोएडा में बैठे हैं जबकि यहां हजारों फ्लैट जो हैं खाली पड़े हैं बनने के बाद, या तो आधे पड़े हुए हैं क्योंकि कर्जे में डूब रहे थे कंपनियां, जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। अब कुछ हद तक कहना ठीक होगा कि यूपीए के सरकार के दौरान ये सब शुरू हुए प्रॉब्लम, मगर कोई भी सरकार पिछले सरकार को दोष देकर काम आप उससे नहीं बच सकते, क्योंकि यू कैन बाय टाइम, आप समय खरीद सकते हैं मगर काम तो करना ही होगा। 10 साल में आपकी जो हाउस होल्ड सेविंग्स हैं वो 22% से 17% आ गई है, 5% कम हो गई है। इसका मतलब लोगों की जेब में पैसा नहीं है कि वो मकान में इन्वेस्ट करे। अगर बन भी जाते ये फ्लैट सारे के सारे तब भी लोगों के पास में इतना पैसा नहीं है। हाँ, वो तो है। बैंक आपको अब लोन देने से कतरा रहे हैं क्योंकि हाउसिंग जो लोन थे वो बैंक के ऊपर एक बहुत बड़ा एनपीए का कारण है। ये भी है, हाउसिंग कंपनीज हैं और हाउसिंग लोन्स हैं वो भी हैं। तो ये जो समस्याएं हैं इसमें, अगर आपको एक या दो चीजें बतानी हो निर्मला जी को त्रिकाल करते हुए कि पहले क्या हुआ, अब क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है, तो तीन चीजें आप ऐसी क्या उनको सलाह देंगे कि वो मैंने अभी भी एक लेख लिखा है, उसमें कहा कि ऑपरेशन ट्विस्ट कीजिएगा। ट्विस्ट का मतलब है कि खर्चा आपको बढ़ाना भी है। असली बात में बताऊं, एक अजीब सी सिचुएशन है इंडियन इकोनॉमी में, खर्चा नहीं बढ़ाओगे तो ग्रोथ नहीं होगा, मगर डेफिसिट को भी काबू में रखना है। मगर एक आसार नजर आया कि आईएमएफ के जो मुख्य इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ, उन्होंने कहा हमें अनुशासन चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप डंडा कमर कसकर ऐसे बैठ जाएं कि कुछ खर्चे ना, आपको ठीक तरह से टूथ कॉम्बिंग करनी चाहिए कि क्या क्या कैसे कैसे विभाग हैं जिनमें आपको खर्चना नहीं चाहिए और कैसे कैसे विभाग हैं जिसमें खर्चना चाहिए। जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा पे आप खर्च कीजिए, या तो फिर राज्य सरकार, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ हमारे संविधान पे स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, तो आपकी कह दीजिए कि हम आपकी मदद करेंगे, आप एजुकेशन या हेल्थ पे स्पेंड करेंगे। साथ ही साथ एयर इंडिया इतने दिन से क्यों नहीं बिका, एयर इंडिया की प्राइवेटाइजेशन की बात किए जा रहे हैं, ऊपर बजट के हजारों करोड़ बजट से एयर इंडिया को या बीएसएनएल को दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि सिर्फ नीयत से काम नहीं चलता, नीति और नीयत जब तक दोनों साथ साथ नहीं चलेंगी। हाँ, जो करके दिखाइए ना आप, बिल्कुल। आपने निवेश एयर इंडिया अब भी सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर में क्यों है? आप देखिए, वामपत्ती को गाली दे रहे थे, ठीक है मान लिया, एयर इंडिया व्हाइट एलिफेंट है, उससे अभी कुछ फायदा नहीं है। लोग इंडिगो में जा रहे हैं, जेट एयरवेज डूब गया, लगभग किंगफिशर डूब गया, अब एयर इंडिया को अपने घर में रख के आपको क्या मिल जाएगा? अब दुनिया भर में जो बड़े बड़े एयरलाइंस हैं, मेरे ख्याल से यूनाइटेड, अमेरिकन, सब, स्विस एयर एक बार को दिवालिया हो गई थी, अब बाकी तो छोड़िए बड़ी बड़ी बात एयरलाइंस। एक हाँ। ये लोग एक तरफ नेहरूवियन इकोनॉमिक्स की को गालियां दी जा रही हैं, दूसरी तरफ सभी लोग एक तरह के नेहरूवियन अंदाज में काम कर रहे हैं कि अच्छा जो भी है चलने दो, स्टेट आपको डेफिसिट भी कम करनी है और खर्चा भी बढ़ाना है और इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइव भी करवाना है और इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को भी काबू में रखने। आपको कुछ जैसे क्रिकेट की तरह है, आप ये कहेंगे आप लेग साइड में भी स्ट्रोक नहीं खेलेंगे, ऑफ साइड में भी नहीं खेलेंगे, स्ट्रेट ड्राइव भी नहीं खेलेंगे, डिफेंसिव खेले जाएंगे तो ये ओवर समाप्त हो जाएंगे रन नहीं बनेंगे और रन रेट आपका जो है वो बहुत कम रहेगा और आपको जितनी अब बची है गेंद है उनमें ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे। देखना यह है कि कौन सा कबूतर
अपने हैट में से या कौन सा खरगोश अपने हैट में से निकाल हाँ, है खरगोश एक मैं आपको बताता हूँ मैं गेस करना चाहता हूँ क्योंकि आपकी गो न्यूज में देखने वालों को ये फायदा होना चाहिए कुछ न कुछ आगे की भी तो बात करें सिर्फ पीछे की कि पिछले बजट में निर्मला जी ने कहा था कि सॉवरेन लोन लेंगे कि विदेशी किसी क्षेत्र से कहीं से सरकार के नाम कर्ज लेंगे ताकि यहां खर्च सके। वो बात जब आलोचना हुई तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ प्लान नहीं है। जैसे एनआरसी पर कहा गया नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन पी ये अभी हम नहीं कर रहे एक कदम आगे गए फिर दो कदम पीछे आ गए। तो मेरे ख्याल से अब शायद सरकार ये घोषणा करेगी कि हम बाहर से पूंजी कुछ ऐसे लाएंगे कर्जा लेके क्योंकि एफडीआई तो आ नहीं रहा उतनी भारी मात्रा में। तो क्या सऊदी अरेबिया सिंगापुर या अबू धाबी जैसे क्षेत्र है जहां से आपके पैसे आ सकते हैं बॉन्ड्स क्योंकि नहीं तो मुझे कोई जो आप मैंने इसलिए इस बात की आपने कह रहे थे ना कोई रैबिट या कबूतर आपके हेड से निकलना चाहिए नहीं तो आपकी मैजिक नहीं रहेगी। तो मेरे ख्याल से वही रैबिट बचा है एक वो बचा है और दूसरा ये बचा है कि आप जो है टैक्स में काफी रद्दो बदल कर दें जो आम लोगों का टैक्स है कॉर्पोरेट टैक्स 15% तो उससे आपको हेडलाइंस अच्छी मिल जाएंगी। दुनिया में 15% कॉर्पोरेट टैक्स कहां मिलता है इतना लो कहां मिलता है बड़े इकोनॉमी में काट दिया निर्मला जी ने बहुत बोल्ड कदम उठाया उससे। मगर चिदम्बरम ने कहा भूतपूर्व वित्त मंत्री ने कि इट्स अ बैड टाइमिंग मगर करके दिखा दिया। बात यह कि आप टैक्स कलेक्शन भी लो हो गया अब डेफिसिट बढ़ेगा मगर सवाल ये होता है कि क्या उससे काम चल जाएगा कि नहीं। बात यह कि छोटे उद्योग जो हैं नहीं वो अभी उठ नहीं रहे उनका डिमांड कम है रोजगार भी वहीं ज्यादा होता है तो आपको वो भी देखना चाहिए कि अक्रॉस द बोर्ड रिवाइवल इकोनॉमी में कैसे होगी। ये जरूरी है कि हर एक जो भाग है उसको देखना है फील्डिंग भी दुरुस्त करनी है बैटिंग भी स्ट्रेट बैट से करनी है और बॉलिंग जो है उसमें भी थोड़ा स्विंग विंग लाना है तो हर एक तरह की चीज जो है वो निर्मला सीतारमण जी को करनी है वित्त मंत्री जो हैं और देखना ये है कि इस समय वो इस बजट में क्या क्या करिश्मे करके दिखाती हैं। इसके बाद में हम और भी बात करेंगे इसी बजट से पहले और आपको बताएंगे कि बजट की राजनीति और राजनीति का बजट क्या होता है। लेकिन आज आप हमको यहीं पर अनुमति दीजिए बहुत बहुत शुक्रिया मधुबन स्टूडियो आने के लिए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। नमस्कार।